नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा नारियल का बुरादा घर पे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ताज़े नारियल लिए हैं, तो पहले हम इसके छिलके हटा लेते हैं। आप इसके छिलके हटाए बिना भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जब इसके पाउडर बनाएंगे आप तो थोड़े काले लगेंगे, तो इसलिए हम इसके छिलके हटा कर ही इसका बुरादा बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसके छिलके हटा दिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ हमने नारियल को पीस लिया है। अब हम नारियल के पानी को अलग कर देते हैं। तो यहाँ हमने नेट लिया है, आप इसकी जगह पे कॉटन का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इसी से हम इसके पानी को अलग करेंगे। और इस तरीके से इसको दबाते हुए इसके दूध को अलग कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसकी भी रेसिपी बना सकते हैं, इससे आप केक बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं और मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी रेसिपी इससे बना सकते हैं। तो यहाँ हमने इसके सारे पानी को निकाल दिया है। इसके पानी को हमने अलग कर दिया है। अब हम इसे भुनेंगे। तो यहाँ हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब हम इसे भुनेंगे। तो इस बात का ध्यान देना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट तक ही इसे भुनेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत गीलापन है तो वो सूख जाएगा। और इसे हम लगातार ही चलाते रहते हैं, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो नीचे से ये जलने लगेगा। तो लगभग 10 मिनट हो भी गए हैं और ये पूरी तरह से सूख गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने भून लिया है। और एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि जब हमने नारियल को पीसा था तो इसमें इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे, क्योंकि जब भी कच्चे नारियल को पीसते हैं हम, तो थोड़े बहुत इसमें छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। तो इसलिए इसे भुनने के बाद देखिए ये पूरी तरह से सूख गया है। अब हम इसे दोबारा से पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे फिर से पीस लिया है और ये बिल्कुल भी अब मार्केट जैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है इसे बनाना और बिल्कुल फ्रेश है ये ताज़े नारियल। से आप घर पे बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और बिल्कुल मार्केट जैसा बना हुआ है और मार्केट से भी अच्छा ये बना हुआ है। और अगर आपको इसे साल भर के लिए स्टोर करना है तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको, इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप दिखा दीजिएगा तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।